आज नवरात्रि है और नवरात्रि का पहला दिन है। आज के दिन आपको क्या करना चाहिए, कुछ चर्चा हम आपके लिए करते हैं। जैसे आज नवरात्रि है तो आप सभी को आज घर में दीपक जलाकर पूजा करनी चाहिए। और नवरात्रि का अर्थ कई लोग कहते हैं, आप लोग समझते नहीं है, सनातन धर्म की गूढ़ता को लोग जानते नहीं हैं। आज नवरात्रि में केवल माता जी की पूजा नहीं होती, इन नवरात्रियों में आप जिनकी पूजा करेंगे उनकी पूजा सिद्ध हो जाएगी। ये नवरात्रियों की महिमा है। ये नवरात्रि में जो नौ दिन होते हैं ये ईश्वर की तरफ, ईश्वर इस समय पृथ्वी के बिल्कुल करीब होते हैं भक्तों की पुकार सुनने के लिए। कुल मिला के ये कहें कि जैसे गर्मियों की छुट्टी में आप लोग मन बना लेते हैं, चलो घूम आवें, अब बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं है, चलो थोड़ा कहीं घूम आवें, तो कोई कहीं कोई कहीं, गर्मियों की छुट्टी में लोग निकल जाते हैं। उसी तरह भगवान साल में दो बार पृथ्वी के समीप आते हैं देखने के लिए कि भक्तों का क्या चल रहा है। तो नौ नौ दिन का भगवान छुट्टी का टाइम निकाल के, नौ दुनी 18, साल में 18 दिन, नौ नवरात्रि के नौ दिन, ये नवरात्रि के नौ दिन वो। इन नवरात्रियों में विशेष रूप से कौन, माँ। माँ अपने बच्चों को देखने आती है कि मेरे बच्चे कैसे हैं। हम सभी कौन हैं, बच्चे हैं। किनके बच्चे हैं, माँ। कौन है वो हमारी माँ, कौन माँ, कौन माँ। कोई कहे अम्बे माँ, कोई कहे दुर्गा माँ, कोई कहे लक्ष्मी माँ, कोई कहे भद्रकाली माँ, कोई कहे काली माँ, कोई कहे चंडी माँ। तो ये बताओ देवियां कितनी होती हैं, बोलो मेरी माँ। देवियां नौ नहीं होती मेरी माँ, और ना दस होती। फिर तो 52 शक्ति पीठ हैं, तो नौ ये गिन लो, फिर 52 वो भी गिनो। कामाख्या माता अलग है, ज्वाला माता अलग है, केला माता अलग है, शारदा अलग है। नौ रात्रि में नौ में शारदा थोड़ी आती है, नौ में कामाख्या माता थोड़ी आती है। तो फिर 52 वो गिन लो और नौ ये गिन लो। तो फिर ये सब कोई गणना नहीं है। गिनती क्या है वो हम आपको नवरात्रि की सच्चाई आपको बताएंगे। एक्चुअली हमारी माता एक ही माता है, एक ही माता है। कौन सी माता, हमारी सबकी एक ही माता है, जिन माता का नाम है लक्ष्मी माता। उन्हीं लक्ष्मी माता का एक नाम है दुर्गा। जैसे पानी और नीर और जल कितने नाम हो गए, तीन नाम हो गए, नाम तीन हो गए पर बात एक ही है, तत्व एक ही है। आप कहेंगे पुष्प, सुमन, फूल, एक ही ना बात है, क्यों जी, सही है। जैसे किसी एक वस्तु के पर्याय अलग होते हैं, पर्यायवाची हैं ये। आकाश को हम गगन भी कहते हैं, आकाश भी कहते हैं, अंबर भी कहते हैं, बहुत सारे पर्यायवाची मिल जाएंगे आपको। उसी प्रकार जैसे पुष्प के अनेक पर्यायवाची हो सकते हैं और होते हैं, सूर्य के अलग पर्यायवाची होते हैं, सूर्य है, भास्कर है, आदित्य है ना, भौमाय नम, भौम है, सब सूर्य भगवान के नाम है। जैसे सूर्य भगवान के 12 नाम हैं, जैसे पुष्प के अनेक नाम हैं, उसी प्रकार से देवी एक है, माता भगवती लक्ष्मी। उन लक्ष्मी को कोई दुर्गा कहता है,
कोई भद्रकाली कहता, प्रथमम शैलपुत्री चा, आज शैलपुत्री की पूजा होती। शैलपुत्री मतलब माता पार्वती, शैल मतलब पत्थर की बेटी अर्थात हिमालय की बेटी। प्रथमम शैलपुत्री चा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, कल ब्रह्मचारिणी मैया की पूजा होगी। ये ब्रह्मचारिणी मैया कौन है? कल दूसरे नंबर पर जो ब्रह्मचारिणी मैया है वो मैया है वैष्णवी मैया, जो ब्रह्मचारी रूप में आज भी ब्रह्मचारी है ना माता जी, विवाह नहीं हुआ उनका। प्रथमम वैष्णव माता जी ब्रह्मचारी रूप में है। तो पहली पूजा पार्वती माँ से स्टार्ट होती है और दूसरी पूजा, तो देखो चाहे आप शैलपुत्री कहो या ब्रह्मचारिणी कहो, तत्व एक ही है, वो एक ही तत्व है, लक्ष्मी तत्व। भाई ये बताओ आपकी बेटी को क्या कहते हैं आप, बोलो? बेटी नहीं कहते आप, आप कहते हैं हमारे घर लक्ष्मी आई है, हाँ या ना? अच्छा, आप अपनी बेटी को लक्ष्मी कहते हैं तो आप लोग अपनी बेटी को क्या कहते हैं? आप भी अपनी बेटी को लक्ष्मी। मतलब इस धरती में चाहे बेटी हो, अरे हमारे भारत में बहुओं को भी लक्ष्मी कहा जाता है। जब घर में बहू आती है तो हमारे यहाँ कहते लक्ष्मी के पांव पड़ते ही घर में सब मंगल हुआ है। क्यों? हमारे यहाँ बेटी को क्या कहते हैं और बहू को क्या कहते हैं, और माँ क्या होती है, बोलो? माँ क्या है? माँ भी लक्ष्मी है, सही है। कुल मिला के हम लोग अभी नवरात्रि में कन्या जिमाते हैं ना, कन्या भोजन कराते हैं, तो क्या सोच के कराते हो कि हमारे घर माता लक्ष्मी आई, दुर्गा मान लो, लक्ष्मी कहो, शारदा कहो, भद्रकाली कहो, महाकाली कहो, चंडी कहो, कुछ भी कह लो, पर्यायवाची हैं। तत्व एक ही है, लक्ष्मी तत्व। श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि। कहने का तात्पर्य यह है वेदों में एक ही तत्व की उपासना है, श्री तत्व मतलब लक्ष्मी तत्व। वही लक्ष्मी तत्व दुर्गा के नाम से जानी जाती हैं, मैहर में उन्हें ही शारदा कहते हैं। अनेक रूप है ना, जैसे जैसे वृंदावन में बिहारी जी हैं, उड़ीसा में जगन्नाथ जी हैं, तो क्या ये दो हो गए? वृंदावन के बिहारी जी और उड़ीसा के जगन्नाथ जी, क्या ये अलग अलग हैं? भाई वही कृष्ण उड़ीसा में जगन्नाथ बन के बैठे हैं, वही श्री कृष्ण वृंदावन में बिहारी जी बन के बैठे हैं, वही द्वारिका में द्वारिकाधीश हैं, वही पंडरपुर में विठल नाथ हैं, वही श्रीनाथ हैं। एक ही तत्व अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, उसी प्रकार एक ही परम तत्व है और वह है लक्ष्मी तत्व। वही लक्ष्मी आज प्रथमम शैलपुत्री चा, आज वही लक्ष्मी क्या बन के पूजेंगी? आज वही लक्ष्मी माता पार्वती बनकर के पूजेंगी, जगत जननी कहलाएंगी। आज उनके हम पार्वती स्वरूप का पूजन करेंगे। तो आप लोगों को घर में दीपक जलाकर आज माँ भगवती का ध्यान, लक्ष्मी जी का ध्यान करना चाहिए। हे माँ, हमारे घर में ये आपका ही घर है, आप हमारे मन मंदिर में आकर बैठ जाइए, हम सदा आपकी आराधना करते रहें और हमारे घर में ये खुशियों का दिया सदा जलता रहे, ये ज्ञान का, ये भक्ति का दीपक सदा प्रज्वलित होता रहे। आज के दिन आपको राम रक्षा स्तोत्र, नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। जो भी पाठ करेंगे, कुछ ना आवे तो श्रीमन नारायण, श्रीमन, आप आज श्रीमन नारायण का जाप करें तो वह नारायण का जाप भी सिद्ध होगा। आप यदि ओम नमः शिवाय का भी जाप करें तो आज जो भी जपेंगे वो सिद्ध होगा। आप ओम नमः शिवाय जपें या गं गणपतये जपें या दुर्गा माता जी का मंत्र जपें या फिर आप श्रीमन नारायण जपें, जो भी आज जपेंगे
आज मतलब 9 दिन तक निरंतर वो आपका सिद्ध। इसलिए ये 9 दिन विशेष पूजा पाठ के लिए निकाले जाते हैं। साल भर आप फुर्सत नहीं पाते, समय मिलता नहीं है, 9 दिन का समय निकाल लो और पूर्ण रूप से भगवान के होकर भगवान की शरण में रहो, ये नवरात्रि है। ठीक है, जो आप जपेंगे उसमें आपको सिद्धि प्राप्त होगी। तो इसलिए इन 9 दिनों में बहुत अच्छे से हमें अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करना चाहिए। और यहां पर एक संकेत भी है कि दुनिया वालों, नवरात्रि में जिन कन्याओं को बुला बुला कर पांव धोकर माहौर लगाकर जिनकी पूजा करते हो, जिन्हें दक्षिणा देकर विदा करते हो, खीर पूड़ी खवाते हो, उन कन्याओं को केवल एक दिन के लिए देवी ना मानो, सदा सदा के लिए नारियों को देवी मान के उनकी सेवा, उनका सम्मान करो। नारी का सम्मान सदा लक्ष्मी मान के आप आज नवरात्रि में एक लड़की का आप सम्मान करते हैं देवी मानकर, और नवरात्रि जाने के बाद उसी नारी का आप अपमान करते हैं, तो ये तो कोई बात हुई नहीं। नारियों का सदा सम्मान बना रहे। देखो हमारे सनातन धर्म में नारियों का कितना बड़ा आदर है, कितना बड़ा सम्मान है। दुनिया के किसी धर्म में, मजहब में नारियों का इतना बड़ा सम्मान नहीं है। हमारे यहाँ भगवान मानकर नारियों को पूजा जाता है, देवी मानकर पूजा जाता है। और केवल नवरात्रि में नहीं, नवरात्रि आई तो नवरात्रि के द्वारा तुम ये मान लो कि भाई ये सदा सर्वत्र पूज्य है। नारी तो सदा पूज्य है, केवल नवरात्रि में नहीं, ऐसा नहीं, सर्वत्र सब जगह हमेशा 365 दिन। तो नवरात्रि की बड़ी महिमा है।